ये भारत है हमारा, ये भारतवर्ष, जिस देश में ऐत्रेय महिदास जो शूद्रदास जी से उत्पन्न होते हैं, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना करते हैं, कभी वो कालखंड था। आज स्थिति यह है, कुछ वर्ष पहले मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था कि हिमाचल की घटना है, दलित कहलाने वाले, दलित जानते हैं किसको कहते हैं, समाज से तिरस्कृत किया हुआ, अपने ही भाई बंधुओं को तिरस्कृत करके ये पौराणिक समाज ये दावा करता है कि मैं हिंदू हूं। वो अपने गौरव को भूल चुका है, वह वेद को मानना नहीं चाहता, उपनिषद दर्शन गीता को नहीं मानना चाहता। गीता की रचना किसने की? वेदव्यास ने की। और वेदव्यास की माता कौन थी? मल्लाहिनी तो थी। सुखदेव की माता कौन थी, कभी ने किसी ने सोचा है? वो भी गिरताची अप्सरा, वो गिरताची नाम के गड़का के संतान थे सुखदेव जी। यदि आज का पौराणिक समाज सुखदेव और व्यास का स्वरूप ही मानता है, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी छोटी जाति में जन्म हो गया, इतनी घृणा झेलनी पड़ती है। मैं वो हिमाचल की घटना बताना चाहता हूँ कि कुछ दलित बंधु उस मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे, तो सवर्ण कहलाने वाले, सवर्ण का अर्थ क्या होता है, कभी कभी तो हंसी आती है, जिनको व्याकरण की प्राथमिक कक्षा भी मालूम है वो जानते हैं कि सवर्ण का अर्थ क्या होता है। क्या उन्हीं का वर्ण है? मानव जाति तो एक है, मनुष्य की जाति एक है, कर्म के अनुसार चारों वर्ण बनते हैं। जब ये दलित बंधु जा रहे थे, उनको मार मार करके निकाला, कईयों को चोट हुई, उसमें आरएसएस के एक बहुत बड़े, उनका नाम याद नहीं आ रहा है इस समय, किसी बड़े पद पर है, संयोग बस वे भी थे, उनको भी पिटाई हुई थी। मंदिर, और मंदिर किसका था? काली का। पूछा जाए, चार वेद, चार उपवेद, छह अंग, छह उपांग, 1127 शाखा, किस में लिखा है काली जी का वर्णन? ये तो एक पौराणिक आख्यायिका है। और काली की पूजा आप कर सकते हैं, छिन्नमस्ता जिसका गर्दन कटी हुई है उसकी पूजा कर सकते हैं, भोले भाले बेजुबान जानवरों को काट सकते हैं, वहां शराब चढ़ा सकते हैं आप भैरव की पूजा के नाम पर। यदि इसी को धर्म माना जाता है तो मैं ऐसे धर्म का तिरस्कार करता हूं, मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए। वो धर्म नहीं है जो वेद के विरुद्ध चले। आज जो स्वयं हिंदू कहते हैं, मैं कहता हूं वो 70% वेदों से उल्टा आचरण कर रहे हैं, इसी की दुर्गति होती है। अहमद शाह अब्दाली से क्यों मराठों की हार हुई थी? उसकी जड़ में जातिवाद था। सूरजमल जो भरतपुर के जाट राजा थे, केवल जाति के नाम पर कि भोजन कहाँ बनाएगा, कहेगा कि हम तो अलग खाएंगे। अब मराठा सेना में फूट पड़ गई, पहले हमले में मराठों की जीत थी, लेकिन खाने पीने के चक्कर के कारण पूरा देश अधीन हो गया था। बाबर ने हमला किया था, वहाँ भी जाति पाति का झगड़ा था, देखा कि अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं और सोचा कि अब तो हमला करने का समय हो गया है। आप सोचिए, राणा सांगा के पास बाबर से कई गुना विशाल सेना है और बाबर के पास केवल 10,000, लेकिन एक संगठित सेना है, तोपें उसके पास थी और ये लोग तलवार और भाले से लड़ने वाले। जिस देश ने चाणक्य जैसा नीति जीत दिया, जिस देश में नीति शास्त्र के ग्रंथ लिखे गए, उसमें कोई नीति का जनन बनाने वाला नहीं था, क्योंकि जो हृदय में आत्मदेव विराजता है उस पर किसी की श्रद्धा नहीं थी। सबकी श्रद्धा किस पर थी? पत्थर के नारायण पर, जिसको शालिग्राम कहा जाता है, पत्थर के भगवान शिव पर, जिनको शिवलिंग कहा जाता है, जिसका न कोई वेद में प्रमाण है न वेदांत में प्रमाण है। हिंदू कहते हैं हम गीता को नहीं मानते, हम कृष्ण के चित्र को मानते हैं, कृष्ण की मूर्ति को मानते हैं, लेकिन कृष्ण के कथनों को नहीं मानते। ये कैसा हिंदुवाद है? ये कैसा हिंदुवाद है जो कहता है कि मैं वेद को भी नहीं मानूंगा, उपनिषद को भी नहीं मानूंगा, जो प्रचलन है उसको मानूंगा, उसी को धर्म की चादर उड़ाकर सारे हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े कर हजारों वर्षों की गुलामी झेलने के लिए विवश करूंगा। जब क्लाइव लायट कलकत्ता की गलियों में निकल रहा था, अंग्रेजों के पास केवल 500 सैनिक थे और इतना बड़ा नवाब, पूरा बंगाल बिहार और असम का जो मालिक था सिराजुद्दौला, उसको उसके मीर जाफर को मिला करके षड्यंत्र करके गुलाम बनाता है और सिराजुद्दौला को हाथी से कुचलवा दिया। जब 500 सैनिकों के साथ क्लाइव लायट कलकत्ते की गलियों में निकलने लगा,
तो 50,000 हिंदुस्तानियों ने उसको फूलों से ला दिया। उसी दिन अंग्रेज समझ गए कि यदि हमने इस देश को गुलाम बना लिया तो हजारों वर्षों तक हमें शासन करने को मिलेगा। इस देश में स्वाभिमान नाम की चीज़ नहीं है। क्यों? क्षत्रिय कहता था जो जन्म से क्षत्रिय है, केवल कह दिया गया कि वही लड़े। ब्राह्मण कहता था कि हमें तो पूजा पाठ से मतलब है। वैश्य कहता है कि हमें क्या लेना देना, हम तो व्यापार से धन कमाकर घर भरेंगे। और शूद्र को पढ़ने से रोका गया। आप सोचिए, जिस देश में विदुर जैसे शूद्र के गर्भ से पैदा होने वाले विदुर को महाराज युधिष्ठिर चरण छूते हों, जिस विदुर के चरण योगेश्वर श्री कृष्ण छूते हों, आज उसी देश में शूद्र का कितना तिरस्कार हुआ। पहले मुझे विश्वास नहीं होता था। हमारे बचपन में मैं था, सौभाग्य से 14 वर्ष की अवस्था में मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर मिल गया था। हमारे एक आर्य समाज में मंत्री थे, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने लिखा है कि यदि स्त्री वेद पढ़ती है तो उसकी जीवा काट लो, और शूद्र यदि वेद पढ़ता है तो उसको तलवार से टुकड़े टुकड़े काट दो। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनकी बात को मना कर दिया कि मुझे विश्वास है कि शंकराचार्य ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे ऊपर झल्ला से गए थे। ये पुरान उस समय की बात है जब मेरी वाई आयु लगभग 15 साल की थी। समय बीतता गया। जब इस ग्रंथ की रचना करते समय मुझे सचमुच में वेदांत दर्शन की टीका पधरानी पड़ी। मैं देख करके सन्न रह गया कि वो बात अक्षरशः लिखी हुई थी। सच है कि आदि शंकराचार्य ने नहीं लिखा, लेकिन उनके अनुयायियों ने तो लिखा है। लेकिन उन्हीं की नकल माधवाचार्य ने की है, निम्बार्काचार्य ने की है, रामानुज ने की है, और जो भी आचार्य आए वेदांत के उस सूत्र की व्याख्या में, अपिच स्मृते इस सूत्र की व्याख्या में, सब ने वही जालसाजी की है। आप सोचिए, जिस देश के आचार्य यह कहते हैं कि ये सूत्र को पढ़ने न दो, तो पूछा जाए विश्व की जो सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है वी आर नारायणन और अंबेडकर ने प्राप्त की थी। और आप जानते हैं भीमराव महार जात के थे इस संसार की पद्धति के अनुसार। अंबेडकर तो ब्राह्मणों की उपाधि है। जो भीमराव के गुरु थे, शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि ये मेरा विद्यार्थी है तो ये मेरा पुत्र है, और उन्होंने बड़ौदा के घराने से सिफारिश करके विदेश भेजवाया था। यदि एक आदर्श शिक्षक एक आदर्श पुरुष का निर्माण करता है, लेकिन जब भीमराव अंबेडकर जैसे, बी आर नारायण जैसे को शिक्षा मिली तो ये बड़े बड़े पदों पर पहुँचे। इसलिए हिंदू समाज अपने ही कुल्हाड़ी से अपना पांव काट रहा है, वह वेदों के विपरीत चल रहा है। मुसलमान कितने भी बुरे हैं तो क्या, वे अपने कुरान को मानते हैं, वे अपने अल्लाह ताला को मानते हैं। पूछिए हिंदू समाज कितना भटक गया है, क्या वह वेद को मानता है? ऋग्वेद का पहला मंत्र क्या है? अग्नि मृी पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। आप जाइए पूरे सरसों में पूछिए ऋग्वेद का पहला मंत्र सुनाओ, बेचारे ने देखा नहीं होगा। नहीं है। गीता का पहला श्लोक पूछिए, जो सरसवा में तथाकथित हिंदू कहलाते हैं, गीता का पहला श्लोक तो सुनाए। 12 साल का बच्चा कुरान डर सकता है, और 60 साल का जो बुढ़ा कहलाता है गीता का एक श्लोक क्यों नहीं याद कर सकता? ये देश इस जटिल जाति व्यवस्था जिसको मैं कहते हैं, ये हिंदू समाज को दीमक की तरह चाट रही है। मेरे पास समय नहीं था, मैंने सोच रहा था कि मैं टालता जा रहा था 3 वर्षों से। अपने कुछ आचार्य जी हैं सोमदेव जी से मैंने आग्रह किया कि मैं साधना काल में हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, आप लिख दीजिए। उन्होंने टाल मटोल कर दिया। 3 साल बीतने के बाद मुझे लगा कि अब, क्योंकि देश में जिस तरह से विद्वेष बढ़ रहा है जातीयता के नाम पर, हिंदू हिंदू से घृणा कर रहा है। मैं एक बार सरसावा में गया था तो वहाँ देखा श्मशान घाट सबके अलग अलग नाम है जलाने के। अरे चीता जलाने के लिए ब्राह्मण वो जो श्मशान के लिए पाए, ये ब्राह्मणों के लिए, ये जैनियों के लिए, ये सैनियों के लिए, ये ठाकुरों के लिए। जो हिंदू समाज एक जगह चीता नहीं चला सकता, एक जगह बैठकर खा नहीं सकता, तो उसकी नीयत में आजीवन गुलामी ही लिखी है। इसलिए जो कहता है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, उसको सबसे पहले जन्मना जाति व्यवस्था को मिटाना होगा। जब तक ये जाति व्यवस्था का कूड़ रहेगा, हिंदू समाज कभी एक झंडे के नीचे नहीं आ सकता। भारतीय संस्कृति क्या कहती है? जब हम कहते हैं
कि देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपस शांति, शांति का मंत्र तो हम बहुत जपते हैं, लेकिन सामने जब कोई व्यक्ति आता है, आश्चर्य तो तब होता है जब तुलसी के पौधे और शालिग्राम के विवाह में लाखों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं और हमारे दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाता है, स्वयं दलित आ जाता है, बैठ जा कह देते हैं कि नहीं दरवाजे चौखट से बाहर रखो, यदि गृहस्थी अपराध करता है तो क्षमा है, लेकिन जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, जो अपने कक्ष में किसी शूद्र को, दलित को घुसने नहीं देते, उसका स्पर्श से घृणा करते हैं, तो इस देश का भाग्य केवल परमात्मा ही बचा सकता है। मैं यहाँ जो भी उपस्थित सुंदर साथ हैं, मैं सबसे कहूँगा कि प्राणनाथ जी की वाणी आत्म तत्व का ज्ञान देती है, और जिसको परम धाम का ज्ञान मिलता है, आत्मस्वरूप का ज्ञान मिलता है, उसको कभी भी शरीर के आधार पर जाति भेदता को प्रशांत नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ समाज जिसको सबसे तिरस्कृत जाति मानता है, भंगी कहता है या कुछ भी कहता है, ज्ञानपीठ उसका स्वागत करता है। वह बालक जो इसको संसार में जाति के नाम पर तिरस्कृत किया गया है, 100 बच्चे आ जाएं, 1000 बच्चे आ जाएं, ज्ञानपीठ उसका संरक्षण करेगा, उसको वेद शास्त्रों की शिक्षा देगा, उसको ब्राह्मणी की शिक्षा देगा और इसको एक आदर्श महामानव के रूप में करेगा। यह मुहिम ज्ञानपीठ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये ग्रंथ अधिक से अधिक सभी संस्थाओं में भेजे जाएँ। मैं यही प्रयास करूँगा कि सुंदर साथ ले जाएँ, अपने अपने गाँव में बाँटें, और जो धर्म के, उसको कटु भाषा में क्या कहते हैं, अग्रगण्य तो नहीं, कटु भाषा में उसको ठेकेदार जिसको ज़्यादा कहना अच्छा होगा, जिन्होंने आत्मचक्षु की पहचानी है, जो पवित्रता का नाटक करते हैं, कबीर जी ने कई चीज़ों में बहुत खरी खरी बात कही है, और ये सच है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का उद्घोष करना तो सरल है। शंकराचार्य ने तो उस चंडाल के सामने अपनी भूल स्वीकार कर ली थी, लेकिन मैंने देखा है पौराणिक बंधुओं को जो अपने जन्म के आधार पर अपने अहंकार को इतना पोषित करते हैं कि लगता ही नहीं कि इन वस्त्रों में क्या छिपा है। अरे आप सन्यासी हो, आप आचार्य कहलाते हो, और आप जातिवाद के उन गड़े सड़े गले विचारों में कि दुर्गंध में आप जीवन जी रहे हैं, तो इस सन्यास जीवन से कोई लाभ नहीं है। सन्यास तो सारी मानवता के लिए होता है। आप उस बुद्ध से पूछिए, उस महावीर से पूछिए जिन्होंने चंडाल को भी गले लगाया, उस बुद्ध से पूछिए जिन्होंने कभी जाति व्यवस्था को नहीं देखा, उस महर्षि दयानंद से पूछिए जिनके पास चारों वर्ण के लोग आते हैं, सबका दिया वो खाते हैं। सन्यासी को कहीं नहीं विधान है कि उसका छुआ खाए ना, उसका छुआ ना खाए, उसका छुआ खाए। भिक्षा में जो भी देता है सन्यासी उसको ग्रहण करता है, क्योंकि वो स्वयं चारों वर्णों से परे हो गया होता है। इसलिए यदि आप सुंदर साथ के अंदर जाति परंपरा है, पूर्वोत्तर भारत में भी मैं जाता हूँ, वहाँ भी मुझे सुनने को मिलता है कि ये जाति, तो जिनके अंदर जातीयता के संस्कार हैं, मेरी दृष्टि में वो सुंदर साथ नहीं है। भले ही वो गले में लकड़ी की माला डालकर कहें कि हम सुंदर साथ हैं, तिलक लगा कर कहें कि मैं सुंदर साथ हूँ, सुंदर साथ हुआ जो आत्मचक्षु जिसके खुले हैं, जो अपनी आत्मा से परम तत्व को जानता है, परमात्मा को देखता है। इससे सबसे मैं आग्रह करूँगा, अभी तो केवल 1000 प्रतियाँ छपी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये ग्रंथ फैले, और जो कोई भी संस्था इसको बिना इसके स्वरूप में परिवर्तित किए छपवा कर बांटने का प्रयास करेगी, उसको ज्ञानपीठ पूरी तरह से स्वीकृत करेगा। लेकिन मुझे शक है कि यदि सबको छूट दे दी जाएगी तो पौराणिक संस्थाएं इसमें हेरा फेरी करके अपनी मनमानी कर लेगी जो पहले से करती आई है। इसलिए हम इसको अभी छूट देने में थोड़ा सावधानी बरतेंगे, लेकिन इस ग्रंथ को जितना अप्रचारित करेंगे सबके अंदर की घृणा मिटाइए। जो समाज आपस में लड़ता रहेगा वो समाज दूसरों को क्या शिक्षा देगा। और हम तो आज सुरक्षा के तले बैठे हैं, उन पीड़ा को देखिए, जब तैमूर लंग ने, बाबर ने, नादिर शाह ने हिंदुओं की गर्दनों से मीनारें खड़ी कर दी और अट्टहास किया होगा, हम उस पीड़ा को नहीं जानते। ये मठों में बैठे हुए सन्यासी, तथा कथित स्वयंभू सन्यासी कहूँगा मैं, उनको सन्यासी नहीं कहूँगा, सन्यासी था तो दयानंद, कलयुग में सन्यासी पैदा हुआ तो केवल दयानंद पैदा हुआ, जिसने सारे संसार से टक्कर ली। वो बुद्ध हुआ जिसने कह दिया कि यदि तुम वेद के नाम पर पशुओं की हत्या करते हो, उनके मांस का हवन करते हो, तो मैं तुम्हारे वेद को भी नहीं मानूंगा।
उस महावीर स्वामी की महानता को देखिए कि उसमें छूतछात का प्रचलन था, मार्ग से उनको हटाया जा रहा था, राजकुल में पैदा हुए, चंडाल को गले लगा लेते हैं, ऐसे ही महामानव बनते हैं। हम तो केवल भात की हंडी की उपासना, आजकल का पौराणिक हिंदू क्या करता है, छूतछात में इतना रहेगा, तुम मेरे चौके में घुस गए, मेरा तो चौका ही अशुद्ध हो गया, लकड़ी को 7 बार धो धो करके जलाएंगे, लेकिन छूतछात ऐसा पहले पूछेंगे तुम्हारी जाति क्या है, छोटी जाति ने छू दिया तो उनका चौका अशुद्ध हो गया, पूछा जाए उस अन्न को किसने काटा है, किसने पकाया, किसने पकाते समय तो तुम्हें छूत लग रही है, लेकिन उस धान को गेहूं को बोने वाला भी तो जिसको आप दलित कहते हो वही नहीं रहेगा तो क्या होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपका पैर काट दिया जाएगा तो आप न खड़े हो सकते हैं न कुछ करेंगे। याद रखिए जिस शूद्र को आप दलित कहकर तिरस्कृत करते हैं वही नहीं रहेगा तो वैश्य महाराज कहाँ जाएंगे, क्षत्रिय महाराज कहाँ जाएंगे, और ब्राह्मण देवता कहाँ रहेंगे, किसी का अस्तित्व नहीं रही है। इसलिए शूद्र और नारी के तिरस्कार ने इस देश को हजारों वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। इन्हीं पौराणिक मंत्रियों ने, अब मुझे मंच पर तो कहने में झिझक कुछ लग रही है लेकिन मुझे आज कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। कुछ समय पहले पुरी के शंकराचार्य ने कहा था, अब वो दिवंगत हो गए हैं, पता नहीं दिवंगत हो गए हैं या कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता, शरीर से नहीं है, बहुत विपदास्पद पुरी के शंकराचार्य जी रहे हैं। उन्होंने कहा था कि शूद्र और स्त्री को वेद शास्त्र तो क्या संस्कृत भी पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो पूछा जाए कि कौशल्या क्या हमन नहीं करती थी, सीता की खोज में जब हनुमान जी जाते हैं तो सीता संध्या कैसे करती थी, और सारी बात को छोड़िए स्त्री पुरुष का विवाह कैसे होता होगा, जैसे आजकल पंडित महाराज मंत्र पढ़ते हैं, लड़के का भी मंत्र वही पढ़ते हैं, लड़की का भी वही मंत्र पढ़ते हैं, दोनों तरफ के पंडित श्लोक बोल देते हैं, मंत्र बोल देते हैं, पता नहीं चलता लड़की लड़के का विवाह हो रहा है कि दोनों पंडितों का विवाह हो रहा है, क्योंकि दोनों को तो किसी को वेद मंत्र आएंगे नहीं, संस्कृत ही आप नहीं पढ़ने देंगे, किसी को पढ़ने ही नहीं देंगे, सारी जनता को अशिक्षित बना देंगे, अनपढ़ बना देंगे, तो 21वीं सदी में इस हिंदू समाज का इतिहास क्या होगा। इसलिए धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं जो शिक्षा में व्यवधान करते हैं, जो जातीयता फैलाते हैं, जो जन्म के आधार पर, मैं एक बार पन्ना जी से आने के लिए बस में बैठा था तो सामने की दीवार पर लिखा था, शराब की दुकान थी उस पर ठेकेदार का नाम था, ठेकेदार के नाम के साथ तिवारी शब्द जुड़ा हुआ था, मुझे बहुत हंसी है कि कलयुग में शराब बेचने का ठेका ब्राह्मणों ने ले रखा है, जन्म से तो ब्राह्मण है लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए हिंदू समाज की बुराई है जिसका श्रेष्ठ आचरण है वही ब्राह्मण है, जो राजसत्ता का संचालन करता है वो क्षत्रिय है, जो कृषि और व्यापार को संचालित करता है वो वैश्य है, जिसके पास धर्म का संस्कार नहीं बुद्धि के ज्ञान से रहित है वह शूद्र कहलाने का अधिकारी है। इसलिए जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न जन्म से कोई क्षत्रिय है, न वैश्य न शूद्र है। जैसे कोई अपनी योग्यता के अनुसार, एक ही पिता के 4 बेटे हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई लेक्चरर बनता है, कोई सैनिक बनता है, उसी तरह से आप इस ग्रंथ में पढ़ेंगे ऋषियों की कई वंशावलियाँ दी गई हैं कि अमुक व्यक्ति, एक ही पिता का एक पुत्र है, कई पुत्र हैं, एक पुत्र राजा बनता है तो ब्राह्मण बन, वो क्षत्रिय कहलाता है, और एक दूसरा पुत्र ब्राह्मण बनता है, पुनः उसकी वंशावली में कोई आता है कोई क्षत्रिय बन जाता है, कोई शूद्र बनता है, और शूद्रों के वंश में कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई क्षत्रिय बनता है। ये सारे प्रमाण इसलिए लिखे गए हैं, कल को कोई ये न कहते कि अपनी मनमानी लिख दिया गया। ये ग्रंथ उन जो महान बड़े बड़े मंडलेश्वर कहलाते हैं जिनके पास आप जाएंगे तो पहले पूछा जाएगा कि तुम्हारी जाति क्या है। यदि महात्मा लोग ही जाति पात चलाएंगे तो हिंदू समाज को विनाश से कोई नहीं बचाएगा। गृहस्थी के लिए क्षमा है लेकिन महात्माओं के लिए क्षमा नहीं है, जो जाति पाति का 20 घोलते हैं और अपनी अपनी यूनिटी बना लेते हैं कि हमारी ये जाति के महात्मा, ये जाति के महात्मा। महात्मा कहलाने का इसका अधिकार क्या है, जिसकी आत्मा अध्यात्म की ऊंची मंजिलों को छू रही हो, और जो जाति पाति के पचड़े में पड़ा है, मैं नहीं भारतीय आर्ष ग्रंथों की दृष्टि में उसको संन्यास की दीक्षा ही ले लाना चाहिए। लेकिन आप क्या कहेंगे, पौराणिक बंधुओं में जो
सबसे चार प्रमुख हैं शंकराचार्य, और उनके नीचे कौन होते हैं, महामंडलेश्वर। इनके अंदर जन्मना जातीयता का विष भरा है, परिणाम यह हो गया हजार वर्षों तक ये देश गुलाम रहा, लेकिन किसी ने उनको संगठित नहीं किया कि तुम भारतीय हो। 40 करोड़ भारतीय 2 लाख अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होकर जी हुजूरी करते रहे। उस मध्यकाल की पीड़ा को कोई नहीं जानता है। अब तो मेरे पास समय भी नहीं है क्योंकि कार्यक्रम की अवधि पूरी होने जा रही है, मैं ज़्यादा व्याख्यान नहीं दूंगा। इस ग्रंथ को पढ़िए, और जो आप सुंदर साथ में देखता हूँ शादी विवाह आपके घर होते हैं, पानी की तरह पैसा बहाते हैं। हमारे ट्रस्ट के सदस्य भी पानी की तरह शादी विवाह में खूब पैसा बहाते हैं। हमारे चौहान जी भी जन्म दिवस पर कई लाख का खर्चा कर देते हैं। मैं कहूँगा कि ये सारे फिजूल खर्चियाँ बंद कर दीजिए, ये खिलाने पिलाने का धंधा बंद कर, 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 धंधा वो अपने घरों से बंद कर, धंधा 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 बंद कर, आपका हृदय नहीं तरसता। भगवान को 56 भोग खिलाएंगे वो कभी खाने वाले नहीं है। जिसको भूख प्यास लगती है वो भगवान ही नहीं है, वो तो सारी सृष्टि को खिलाने वाला है। इसलिए सभी पौराणिक बंधुओं को अपनी भूल सुधारनी होगी। यदि इस भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति दलित कहा जाता है, एक भी व्यक्ति भूखा नंगा है, एक भी व्यक्ति यदि शिक्षा से रहित है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की पूजा पद्धति, किसी तरह का पारायण पाठ उस परमात्मा तक पहुंच सकता है। आप सबके हृदय में बैठे हुए उस चेतन को आनंदित कीजिए। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ी कोई आराधना नहीं, और इससे बड़ी कोई मानवता की सेवा नहीं है। मेरे आज मुख से कठोर शब्द निकल गए होंगे, किसी को पीड़ा होती है तो मैं क्षमा जरूर चाहूँगा, लेकिन ये सत्य मैं अवश्य कहूँगा। जन्मना जातीयता भारतीय समाज का कोड है, और इसको दूर किए बिना इस हिंदू समाज का कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। चाणक्य ने एक बात बहुत कही है कि ढहते हुए दुर्ग की दीवारों की मरम्मत का कब तक करते रहोगे, उस दुर्ग को गिरा दो और नया दुर्ग बनाओ।
इसलिए इस पौराणिक समाज को जो हजारों साल से पुराणों की रचना करके जन्मना जातीयता को पोषित कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों का स्वार्थ सदता है। वे मठाधीश बन जाते हैं, राजाओं की जिंदगी जीते हैं, न उनको ज्ञान की आवश्यकता है, न ध्यान की आवश्यकता है, न संयमित जीवन की आवश्यकता है। और जातीयता के नाम पर आज क्या हो रहा है? एक बार कहता है आरक्षण मिटना चाहिए, एक बार कहता है कि नहीं मिटना चाहिए। हिंदू इसी में लड़ने को तैयार है। हिंदुओं का एक समूह दूसरे को मारने के लिए तैयार है। वो सोचता है कि यही मेरा धर्म है, और सभी लड़ लड़ करके अलग हो जाएंगे, फिर कौन बताएगा कि परमात्मा कौन है? आप किसी भी संप्रदाय में पैदा हो, पहले तो आप मानव हैं। इस देश में पहले तो समझ लीजिए कि हिंदू शब्द ही इस देश में नहीं था। विदेशियों ने, आप देखिए, मैं गुजरात में जाता हूँ, दाहोद की तरफ सारू कहा जाता है, सौराष्ट्र की तरफ जाता है हारू कहते हैं। उधर सारू छिछलता है, इधर हारू छिछलता है। तो उसी सौ को सिंध के किनारे वालों को, उधर के लोगों ने, भारत की सीमा ईरान से मिलते जुलती है, उन्होंने सिंध को हिंद कहा और हिंद के रहने वाले हिंदू कहलाने लगे। बस इतनी सी बात है। अन्यथा सिस्ट के प्रारंभ से लेकर 1,96,08,53,123 वर्षों में, अब से लेकर 2000 वर्ष पूर्व के किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है संस्कृत के। आज हमने वेदों को छोड़ दिया। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? विजयनीत ही आर्य अन्य चतस्व। हमारा गुण कर्म स्वभाव है श्रेष्ठ हो तो हम आर्य हैं। हिंदू हमें कहीं नहीं कहा गया। गौतम बुद्ध आर्य शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आर्य का अर्थ किसी ने पूछा, एक बंधु बता रहे कि उन्होंने कह दिया कि मैं आर्य हूँ, तो कहा कि तुम दलित हो। इन्होंने आर्य शब्द को भी दलित कह दिया और हिंदू में सर्वश्रेष्ठ जन्मना ब्राह्मण बन गए। आप सोचिए, यदि हिंदू समाज की यही दुर्गति रही तो क्या होगा? 2 करोड़ इंग्लैंड की जनसंख्या रही है, आज भी उतनी ही है। 2 करोड़ अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर शासन किया, उनके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। क्यों? और ये 40 करोड़ हिंदुस्तानी क्या करते थे? केवल बैलगाड़ी पर बैठकर गुड़गुड़ा पीते रहे थे। अभी भी गांव में जाइए, गांव के जितने बुड्ढे इकट्ठे हो जाएंगे, केवल गुड़गुड़ा पियेंगे, गांव में ताश खेलेंगे, कोई धर्म की बातें नहीं करेगा। वानप्रस्थ अवस्था किस लिए बनाई गई है? परमात्मा के चिंतन के लिए। संन्यास किस लिए बनाया? केवल परमात्मा का ध्यान करने के लिए, सत्य का प्रकाश के लिए। इसलिए इस ग्रंथ का नाम वर्णाश्रम रखा गया है कि जन्म के आधार पर कोई जाति नहीं है और कर्म के आधार पर 4 वर्ण का निर्माण होता है। हम जीवन की प्राथमिक अवस्था में सबके लिए शिक्षा अनिवार्य करें, जाति न पूछें कि तुम्हारी क्या जाति है। उसके पश्चात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, वानप्रस्थी बने, संन्यास के द्वारा परम तत्व को प्राप्त करें। इसी निर्देशन के लिए ग्रंथ लिखा गया है। सांप्रदायिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त है। हिंदू समाज के 1000 संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति हो, इसको ग्रहण कर सकता है। इस ग्रंथ की विचारधारा को फैलाइए। आपकी सैद्धांतिक विचारधारा कुछ भी हो, सांप्रदायिक विचारधारा, वो बाद में लड़ते रहिएगा। पहले हिंदू के नाम पर एक तो हो जाइए, आपस की घृणा को दूर कीजिए कि अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, वो जाट है, वो सैनी है, वो गुज्जर है। ये सोचना ही पाप है। आज जब कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं, सैनी अलग झंडे लेकर जाते हैं, गुर्जर अलग झंडे लेकर जाते हैं, जाट अलग झंडे लेकर जाते हैं। 1000 वर्ष तक ये गुलाम रहे, मुगलों के डंडे खाते रहे, फिर भी अभी बुद्धि नहीं आई है। इसके दोषी कौन है? वो नेतागण जो वोट के लिए जातियों में बांटते हैं। इसके दोषी वो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं जो जन्म से ऊंचे कुल तो पाए गए, लेकिन उन्होंने धर्म में भी आरक्षण करा लिया है कि हम ब्राह्मण के घर में जन्मे हैं तो हमें पीठाधीश्वर बनना ही पड़ेगा। दलित कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसको तो दुत्कार ही मिलेगी। इसीलिए अपना आरक्षण कोटा सीमित करने के लिए उन्होंने जन्मना जाति व्यवस्था को प्रोत्साहित कर रखा है। यह देश का दुर्भाग्य है और सुंदर सत का उत्तरदायित्व है। इस विकृति को जड़ से समाप्त करना होगा। एक बार एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। जोधपुर जाना था महर्षि दयानंद को। वहाँ के शुभचिंतकों ने कहा कि स्वामी जी वहाँ मत जाइए, वहाँ के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। दयानंद ने कहा कि देखो भाई, मैंने तो पाखंड के वृक्षों को कुल्हाड़े से काटना सीखा है, नहरनी से नहीं काटूंगा, मैं तो जाऊंगा जरूर। ठीक है, दयानंद जी को अपने जीवन की बलि देनी पड़ी।
लेकिन बलिदान पर ही तो निर्माण का भवन तैयार खड़ा होता है। इसलिए आप डरिए नहीं, आपके साथ तो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा की कृपा का कवच है। यदि आप सत्य के प्रचार के लिए उन दलितों को गले लगाएंगे जिनको समाज दुत्कारता रहा है, आप जानते हैं ज्ञानपीठ का कोई भी कार्यक्रम पंचांग देख करके नहीं होता। और मेरा सिद्धांत है कि ज्योतिष जिस दिन सबसे अशुभ दिन ठहराएगा, मैं जानबूझकर कार्यक्रम उसी दिन करना पसंद करता हूँ। जो समाज का सबसे तिरस्कृत व्यक्ति होगा, मेरे लिए वो सबसे पहला प्रिय व्यक्ति होता है। राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, जूठे थे या नहीं, लेकिन यदि जूठा बेर भी सबरी खिलाती तो हो सकता है राम मनुस्मृत के नियम को छोड़ देते कि उच्चिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबरी के अंदर प्रेम था। सबरी के प्रेम की गाथा जहाँ गाई जाती है, सबरी तो भिलनी थी, आज की परंपरा के अनुसार दलित थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके जूठे बेर खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन का मेवा छोड़कर विदुर के घर का साग खाते हैं, तो उनके उनके नाम की पूजा करने वाले आज जाति पाति का प्रपंच क्यों खड़ा करते हैं कि मैं ब्राह्मण ब्राह्मण के घर का भोजन खाएगा। आश्चर्य तो तब होता है जब आरएसएस में जो लोग शामिल होते हैं मंच पर खूब प्रवचन देते हैं कि देखो हमें सामाजिक समरसता करनी चाहिए, लेकिन जब किसी दलित के घर भोजन करना पड़ता है तो कह देते हैं कि मुझे आज मैंने आज उपवास किया है। तो इस तरह की बनावटी व्यवहार से सामाजिक समरसता नहीं आएगी। सबसे पहले जो धर्म के अग्रगण्य हैं उनको गले लगाना पड़ेगा, नहीं तो यह याद रखिए आप दलितों को यदि घृणा की दृष्टि से देखेंगे तो उससे जो चिंगारी निकलेगी आपके सारे महल मंदिर नष्ट हो जाएंगे। इस देश में कोई हिंदू ही नहीं रहेगा तो कौन घंटी घड़ियाल बजाएगा, आपने उस दिन की कल्पना नहीं की है। अब ऐसी उत्तेजक बातें करने के लिए मंच नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में एक पीड़ा थी जो मैंने कह दिया है। यही आग्रह करूँगा कि आप जो अपने घर पर शादी विवाह में फिजूल खर्चियाँ करते हैं वो बंद कर दीजिए और ऐसे ग्रंथों को फ्री में बांटिए, पूरे देश में बांटिए, ताकि यह देश जग जाए। प्रणाम जी।